पहला तो मैं सारे साडे हलका निवासी बाहर होर हलकियां तो सारे मतलब अज घट्टो घट 2200 बंदा आया 800-900 कार से उन्हां दा धन्नवाद करदा ते कल नूं असीं इदां ही आवांगे ऑर्डर हाई कोर्ट तो 4:15 लेट आए ने थोड़े उहदे करके सैशन कोर्ट दे जज साहिबान उठ के चले गए तो बॉन्ड लेट हो गए तो कल नूं असीं इदां ही फेर आवांगे ते कल नूं एमएलए साहब नूं नाल लैके जावांगे। तुहानूं लगदा है वी क्या केंद्र सरकार ने धक्का कीता तां ही होया? मतलब देखो जी वैसे 4:30-5 जज साहब का टाइम होंगे 15-20 मिनट पहले ही उठ के मुकदमे की गल कर रहा जिस मामले वह तो साहब दिखे रहा जी। देखो दरवेश इंसान को फसाना कल फोन ते एम एल ए साहब पहली बार मैं भावुक हुंदे देखने जो बेल हुई आ कहिंदे भी अपने नाल धक्का होया भी मतलब जिहड़ा 1 साल कट्टिया भी नजायज कट्टिया भी नजायज लाया भी कोई गल नहीं रब हैगा जी वह वाहिगुरू ते भरोसा करन वाले एम एल ए साहिबान ने रब आपे जिन्हां ने करिया कोई गल इत्थे ही आ जी सब नूं पता लग जो जो परमात्मा सब दी देना पर सानूं पता भी चलो जो हुंदा कोई वड्डी कलंगी सेहरा एम एल ए साहब दे सिर ते लगू उन्होंने पूरा 1 साल 6 नवंबर नूं रैसट पई सी ते कल नूं 6 नवंबर नूं बाहरे आ जाणगे इन्हां दी तसद्दद सही वाहिगुरू मेहर करूगा। कल असीं एडे ही काफले नाल 2,2500 बंदे नाल 1,000 कार नाल एम एल ए साहब नूं ढोल बजा के लैके जावांगे। समा जी सेंटर सरकार जां ईडी दे वकीलां ने बहुत खिचिया बहुत झूठियां दलीलां उत्थे कोर्टां च कचहरियां च जिथे तक इन्हां दी चलदी सी उदों ज़्यादा चलाई आ ते एंड वाहिगुरू ने बांह फड़ी आ साडी साडे वकील विक्रम चौधरी जी ने बहुत जोर ला के बेल कराई आ। उस्ताद जसवंत सिंह गज्जर माजरा जी जिहड़े कि साडे सत्कारयोग एमएलए ने और अज वो ईडी ने उन्हां नूं हिरासत दे विच लिया सी ते अज ओह बाहर आ रहे ने जिस तरीके दे नाल ईडी वालों बीजेपी सरकार का हथ ठोका बन के काम किया जा रहा साडे विधायकों नूं साडे मुख्यमंत्री नूं साडे मंत्रियों नूं अंदर सटिया जा रहा और मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है कि केंद्र का तोता बन के काम कर रही है तो इसलिए ईडी नूं भी शर्म होनी चाहिए आ कि वो इस तरीके दे नाल किसी भी पार्टी नूं इस करके कि फलानी पार्टी का इदा तुसीं उन्हां नूं अणमनुखी तरीके अंदर नहीं रख सकते। अज मैं समझदा कि कोर्टा ने सानूं इंसाफ दिता जित हुई आ इंसाफ की जित हुई है तो अज वो जमानत हो के अज बाहर आ रहे हैं तो असीं इन्हां दे ठराविआं तो बीजेपी तो असीं ना डरन वाले हाँ ना झुकन वाले हाँ पर आम आदमी पार्टी हमेशा चढ़ती कला च सी ते चढ़ती कला च रहूगी। साढ़े सारे जिहड़े मंत्री साहबान ने वह भी बाहर आ गए ने ते पंजाब दे लोग भी बीजेपी नूं सख्त शब्द सबक जिहड़ा सिखाउणगे। ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ।